अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जरिए होते हुए भारत पहुंचे ट्रक में करीब 102 किलो हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 700 करोड़ रुपए है। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रक में मर्फी भरी थी, जो कि दिल्ली के एक व्यापारी को जानी थी। जब ट्रक ICP के जरिए भारत में दाखिल हुआ तो उसकी चेकिंग की गई और उसमें से 102 किलो हीरोइन बरामद हुई। कस्टम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक्स-रे मशीन के जरिए ये बरामदगी हुई है। यहाँ शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए धन्यवाद। कल दोपहर में हमारा एक एग्जामिनेशन शुरू हुआ था ICP अटारी में, जिसमें लिकरस रूट ये डिक्लेयर्ड आइटम था, वो होता है मुलेठी जिसको हम बोलते हैं। तो वो एग्जामिन करते वक्त हमने जब एक्सरे मशीन में रखा तो उसमें इररेगुलर इमेजेस आए थे, तो बेस्ड ऑन दैट उसके बेसिस पे हमने वो 100% एग्जामिनेशन पे किया। तो हमने पाया कि उसमें ऐसे कुछ पीसेस है जो मिक्स हुए हैं मेन मुलेठी के कंसाइनमेंट में। तो ऐसे पीसेस हमने सेपरेट किए, सेग्रीगेट किए, और फिर वो ऑफिस में जाके वो ये ऐसा इसमें कैविटी बनी हुई थी, कैविटी के अंदर था, तो सारा इंडिविजुअल ब्रेक करके तोड़ के हमें वो निकालना पड़ा। तो मुलेठी का ये ऐसे वुडन लॉक्स लगभग 485 किलोग्राम के लॉक्स थे, वो हमने पूरी रात भर ऑलमोस्ट चल के बहुत लंबा टाइम लगा, बिकॉज इंडिविजुअली एक एक करके तोड़ना पड़ रहा था। तो वो करके आज हमने वो कंप्लीट किया प्रोसीजर, तो उसमें 102 किलो का सस्पेक्टेड मटेरियल मिला है। वो जो मटेरियल है हमने ड्रग डिटेक्शन किट से उसको टेस्टिंग किया, हमने भी किया, BSF ने भी किया, और दोनों में वो हेरोइन के लिए पॉजिटिव पाया गया है। तो इसकी जांच के लिए हम वो आगे लेबोरेटरी भेजेंगे, बट इन द मीन टाइम हमने वो सारा सीज करके यहाँ लाया है। हम आपको फोटोग्राफ इसके थोड़ी देर में दे देंगे। मैं एक प्रेस नोट भी लाया हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, उस पर थोड़े फोटोग्राफ्स भी। थैंक यू। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे बारे में बोल नहीं पाऊँगा। ओनली सीजर पोर्शन के लिए हम अभी बता पा रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो हम इसमें तुरंत जानकारी देंगे। द इम्पोर्टर वॉज फ्रॉम दिल्ली, ये इम्पोर्टर जो है दिल्ली का था। मैं इसमें और डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो अभी नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन।